तीन विषयों पर आधारित वीडियो। सीख एक, तमिलनाडु में जलीकट्टू की अनुमति नहीं देने पर हजारों लोगों ने किया हाईवे जाम। 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार, लाठी चार्ज, आंसू गैस नहीं आया काम तो दी इजाज़त। जी हाँ, ये पहला वीडियो पहली खबर के साथ। तो खबर ये है कि तमिलनाडु में जब जलीकट्टू पर अनुमति नहीं दी गई, जलीकट्टू आप सबको पता है जो बैलों की प्रतियोगिता वाला खेल होता है, वो उसकी जब अनुमति प्रशासन ने नहीं दी तो वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम की तो 10-10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई और फिर जब इस जाम को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया तब भी काम नहीं बना, क्योंकि लोगों ने ठान लिया था कि अब हम जलीकट्टू करवा कर ही दम लेंगे। तो वो लोग सफल रहे और उनके इस प्रयास ने उन्हें सफलता प्रदान की। अंततः प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ी। अब दूसरी खबर है आतंकियों की टारगेट किलिंग से परेशान जम्मू के हिंदुओं ने निकाली पुरानी बंदूकें। निशाना साधने की कर रहे प्रैक्टिस, 20 साल पहले पुलिस ने दिए थे 71 हथियार। जी हाँ, हमें कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो हालत है सबको पता है, क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है वो भी सबको पता है, किस प्रकार लोगों को टारगेट किलिंग की जा रही है, यानी उनकी पहचान देखकर, उनके आधार कार्ड देखकर उन्हें मारा जा रहा है, जो हिंदू है उन्हें मार दिया जा रहा है। तो अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ गया कि भाई इन्हें रोकने का एक ही तरीका है और वो है प्रतिकार। प्रतिकार के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी पुरानी पिस्तौलें निकाल ली जो उन्हें बहुत समय पहले पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए दी थी और अब निशाना साधने की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये दूसरी खबर ये बताती है कि आप जितना मर्जी सहिष्णु हो जाएं, जितना मर्जी सेक्युलर हो जाएं, अंततः आपको अपनी, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तीसरी खबर है सपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग, बताया धर्मद्रोही। रामचरितमानस का समर्थन करने पर अपनी ही नेता को भला बुरा कह रहे सपाई। यानी यहाँ एक अलग चीज़ देखने मिली कि सपा में जहाँ एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनके अखिलेश जी से लेकर सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी गलत बातें कह रहा है कि जो सबको पता है, वहीं इनकी ही एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मोर्चा खोला और इसे गिरफ्तार करने के लिए भी कहा, इसे धर्मद्रोही भी बताया। यानी कहीं ना कहीं लोगों में आज भी थोड़ा सा हिंदुत्व जागरूक है, जिंदा है, अपने धर्म के प्रति इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन सपाई लोग इन्हीं मोहतरमा को गरिया रहे हैं, इन्हें गालियां दे रहे हैं, इन्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं, क्योंकि वो चाटुकार चमचे सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने धर्म से कहीं अधिक मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आज भी जो लोग अपने धर्म को ज़रा भी समझते होंगे वो किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, जैसे ये देवी जी ने किया। अब इन घटनाओं से क्या सीख मिलती है, सुनिए आगे। भारत के लोगों से हम कब से चिल्ला रहे, कब से बोल रहे, सब एक हो, अब एकजुटता की आवश्यकता है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है, और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा, हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव।